नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं आदिति त्यागी हूँ। आज एक फेसबुक पोस्ट लगातार चर्चा में है और ये फेसबुक पोस्ट किया गया है बीजेपी के नेता संगीत सोम द्वारा। जिस फेसबुक पोस्ट को लेकर इतना ज्यादा चर्चा हो रही है, इतनी ज्यादा बहस हो रही है, दरअसल इस फेसबुक पोस्ट में संगीत सोम ने यह लिखा कि औरंगजेब जैसे लोगों ने ज्ञानवापी मस्जिद बना दी, 1992 में बाबरी और 2022 में ज्ञानवापी की बारी है। आप संगीत सोम क्या कहना चाहते हैं? क्या उनका जो स्टैंड है वही बीजेपी का भी स्टैंड है? ऐसे कई सवाल आपके मन में भी होंगे। इन सवालों के जवाब देने के लिए संगीत सोम हमारे साथ है। सबसे पहले संगीत सोम जी, स्वागत आपका जी न्यूज पर, थैंक यू वक्त निकालने के लिए। सवाल यही है मेरा, जो आपने फेसबुक पोस्ट लिखा है कि 92 में बाबरी, 22 में ज्ञानवापी की बारी है, औरंगजेब जैसे लोगों ने ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी, ज्ञानवापी पर लगातार बहस भी हो रही है, आप इस पोस्ट के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं और आपने पोस्ट क्यों किया? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं अदिति जी, आप बताइए कि क्या हिंदुस्तान में जब यहाँ मुगल शासक था और मुगलों ने यहाँ बिल्कुल आक्रांताओं ने आके जो आतंक उतारा, जो कि आज इतने मंदिर थे उनका स्वरूप बिगाड़ कर उन्हें मस्जिद बनाने का काम किया, अगर आज कोर्ट भी उस पर कोई आदेश करता है, कोई कमेटी बनाता है, कमेटी बना के उसका सर्वे कराने की बात करता है, तो ओवैसी जैसे नेता उस पर भड़काऊ बात करने लगते हैं, भड़काऊ भाषण देने लगते हैं, कोर्ट पर टिप्पणी करने लगते हैं, तो क्या उन्हें किसी को कोई बोलने वाला नहीं होना चाहिए? क्या अपनी बात रखने वाला नहीं होना चाहिए? क्या वो सही बात पे भी टिप्पणी करते रहते हैं? और अगर मैं तो फिर कह रहा हूं, मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि हिंदुस्तान में जितनी मस्जिदें बनी है सबका सर्वे होना चाहिए, जितनी मस्जिदें उस मुगल शासन में उस टाइम बनी है उनका सबका सर्वे होना चाहिए, सर्वे होकर जो उनका स्वरूप था वो होना चाहिए। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि 99% वो मंदिर थे जो आज मस्जिद के रूप में है। संगीत सोम जी, आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 99% मंदिर थे जो अब मस्जिद के तौर पर देखे जाते हैं, ये बहुत बड़ा दावा है या आपका दावा है? आपके पास इसका क्या कोई साइंटिफिक आधार है? बिल्कुल, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए ज्ञानव्यापी में क्यों नहीं टीम को जाने दिया? चूंकि वो जानते हैं उसमें स्वास्तिक बना हुआ है, चूंकि वो आज भी जानते हैं कि शिव परिवार की मूर्ति उसमें अंदर विस्थापित है, इसलिए अंदर नहीं जाने दिया? नहीं तो क्या दिक्कत थी उन्हें? अंदर जाते वो कहते आप सर्वे करिए, देख लीजिए, ये तो सब जानते हैं ना, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि वो मंदिर था और मंदिर ही है, वो केवल रोका जा रहा है, वो मंदिर द्वारा से स्वरूप में ना इसलिए रोका जा रहा है। नहीं नहीं, लेकिन सर जब आप ये कहते हैं, अभी जैसे थोड़ी देर पहले आपने कहा कि सर्वे करा लीजिए, मस्जिदों का सर्वे करा लीजिए, आप दावा करते हैं कि 99% करीब 99% जो है वो ओरिजिनली टेम्पल्स थे, लेकिन जब आप इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं कि मस्जिदों का सर्वे करा लीजिए, आपको नहीं लगता एक पब्लिक लाइफ में होने के नाते भी सांप्रदायिक सौहार्द पर असर पड़ेगा इसका? आप एक मिनट में, अगर हम कुछ बोल देते हैं तो आपको लगता है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है, वो लोग कुछ बोलते रहे, वो लोग हनुमान चालीसा ना पढ़ने दें, वो लोग अगर हनुमान बारात निकलेगी अगर वो उस पर पथराव करेंगे तो कुछ नहीं, वो शाहीन बाग में कुछ करेंगे, वो जहांगीरपुरी में कुछ करेंगे, मतलब उनका सब अधिकार है क्या? ये हिंदुस्तान है साहब, लोकतंत्र से चलता है, यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ संविधान से चलता है। क्योंकि आपने कहा आप उन लोगों से, तो हम जी न्यूज के मंच से हर किसी से सवाल पूछते हैं। आपने थोड़ी देर पहले असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिया था, हम ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी से भी सवाल पूछते हैं, उनकी पार्टी से भी सवाल पूछते हैं, हर पार्टी, हर स्टेक होल्डर जिससे सवाल होता है पूछते हैं, जैसे कि मैं इस वक्त आपसे पूछ रही हूं। और आपने खुद कहा कि इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में संविधान है, और आपकी पार्टी तो वो पार्टी है जो ये नारा भी देती है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, फिर ऐसे स्टेटमेंट्स? नहीं 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 नहीं, ऐसा है, हम कुछ बोलते हैं तो आप लोगों को लगता है कि हम सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, जबकि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बात ना करते हैं ना ऐसा सोचते हैं, लेकिन जो लोग ये कर रहे हैं, जो कर पब्लिकली कर रहे हैं, पथराव करा रहे हैं, फायरिंग करा रहे हैं, उन लोगों को कोई बताने वाला और बोलने वाला नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा साहब, जवाब तो देना ही पड़ेगा ना आखिर, ये भी नहीं चलेगा कि बिल्कुल इसी तरीके से चलता रहेगा।
नहीं, जाहिर तौर पर ये देश संविधान से चलता है, ये देश संविधान बेस्ड जो कानून है उनके हिसाब से चलता है। लेकिन संगीत सोमजी परसेप्शन ये बनती है कि एक तरफ आप असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं पर सवाल उठाते हैं, ये कहते हैं कि वो एक तरह की कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन जब आप ये स्टेटमेंट देते हैं कि मस्जिदों का सर्वे करा लीजिए, 99% मस्जिद जो है वो मंदिरों पर बनी हुई है, तो एक साइड ऑफ स्पेक्ट्रम, एक एक्सट्रीम ऑफ स्पेक्ट्रम अगर असदुद्दीन ओवैसी हैं तो दूसरी एक्सट्रीम या साइड ऑफ स्पेक्ट्रम तो आप हो जाते हैं। आप मुझे अतिथि जी बताइए, क्या क्या इस पूरे देश का, पूरे हिंदुस्तान का हिंदू समाज नहीं चाहेगा कि जिस तरीके से हमारे पूरे मंदिरों को ध्वस्त किया गया, जिस तरीके से हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई, जिस तरीके से सब मंदिरों को बर्बाद करके, तोड़ के, उनका स्वरूप बदल के उनके ऊपर मस्जिद बना दी गई, तो क्या हम लोगों का ये जानने का अधिकार नहीं है आखिर ऐसी कौन कौन सी मस्जिद वो है जिसके अंदर मंदिर है आज भी? क्यों नहीं है हम लोगों का जानने का ये अधिकार? क्यों नहीं हम उस पर बोलेंगे? क्यों नहीं बोलना चाहिए? लेकिन फिर ऐसे ही विवाद होता रहेगा, जैसे ज्ञानवापी को लेकर इस वक्त विवाद है, ज्ञानवापी को लेकर आप क्या कहेंगे? ज्ञानवापी पे तो बिल्कुल विवाद है, ज्ञानवापी ये शब्द ही आप जानते हैं, ज्ञान के साथ धोखा है ये तो, कहां आप इसकी बात कर रहे हैं? वो मंदिर था, आज भी वहां मंदिर है, आप देख लीजिएगा जाके, और मंदिर ही होना भी चाहिए और मंदिर ही होगा। नहीं नहीं, ये तो खैर आपका दावा है, ये आपका दावा है। यहाँ पर सवाल ये भी है संगीत सोम जी, आप पब्लिक लाइफ में हैं, आप जनता की नुमाइंदगी करते रहे हैं, जब आप इस तरह से बार बार आपकी उसी स्टेटमेंट में लौट रही हूँ जिसमें आप कहते हैं कि मस्जिदों का सर्वे करा लीजिए, वो कितना उचित लगता है आपको? नहीं, मैं अदिति जी आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार आपको बताना चाहता हूँ, मेरी ये मांग है और ये होना चाहिए और होगा, आप निश्चित रहिए। ये आप अगर घुमा फिरा के ये कहें कि मैं इस पर यू टर्न लेके बैठ जाऊं तो वो नहीं हो सकता। सर्वे होना चाहिए और ज्ञानव्यापी नहीं, पूरे हिंदुस्तान की मस्जिदों का सर्वे होना चाहिए, और मैं तो इससे आगे कहता हूं पूरे मदरसों का सर्वे होना चाहिए, कौन से मदरसे में क्या पढ़ाई हो रही है वो पूरा देखना चाहिए। क्यों नहीं मदरसे की अगर मॉडिफिकेशन की बात सरकार करती है तो ये क्यों उसका विरोध करते हैं? क्यों बच्चों को वो सही शिक्षा मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं देना चाहते? चूंकि आप भी जानते हैं वहां क्या होता है और हम भी जानते हैं वहां क्या होता है। ठीक है, ये आपके दावे हैं, लेकिन आपके विरोधी लगातार ये भी कहते हैं संगीत सोम जी कि आप जो असल मुद्दे हैं, चाहे महंगाई का मुद्दा है, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे इस देश की अर्थव्यवस्था का मुद्दा है, उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स आपकी पार्टी की तरफ से आते हैं और आप जैसे नेता देते हैं। बहरहाल, मेरे पास वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी न्यूज़ से बात की है, अपने इस वक्त जिस फेसबुक पोस्ट पर इतनी चर्चा हो रही है उसे लेकर। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई जारी है, बीजेपी नेता संगीत सोम का ये विवादित बयान जिसे लेकर अभी हमने उनसे पूरी ये बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा, ये फेसबुक पोस्ट भी उनका और साथ ही अभी आपने उन्हें कहते हुए भी सुना कि 92 में बाबरी के बाद 22 में ज्ञानवापी की बारी है। तो दो बातें, एक तरफ ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट संगीत सोम का जिसमें वो कहते हैं कि ज्ञानवापी, उनका दावा है ये, संगीत सोम की तरफ से कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है, और सर्वे क्यों नहीं करने दिया गया, सर्वे से किसे डर लग रहा है, क्या सच सामने आ जाएगा, ये सवाल संगीत सोम पूछ रहे हैं। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें इस मामले पर सुनवाई जारी है लगातार, ज्ञानवापी एक तरीके से आप कहें तो नया सियासी अखाड़ा बनता जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी, कुछ दिन पहले उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और उन्होंने ये कहा कि जो लोअर कोर्ट का फैसला आया उससे जो मुसलमान हैं उनके खिलाफ नफरत, और साथ ही एक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था, ब्लडशेड। तो लगातार सियासी अखाड़ा ये बना हुआ है, सर्वे पर संग्राम मचा हुआ है, जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं, कई तस्वीरें इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, इस मामले की सुनवाई हो रही है। और आपको याद होगा जो टीम सर्वे करने के लिए गई थी उसे जाने नहीं दिया गया था, प्रदर्शन भी हुआ था, लोग नारेबाजी करने लगे थे, ऐसे में आज कोर्ट सर्वे की नई तारीख तय कर सकता है। दरअसल मुस्लिम पक्ष कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग कर रहा है, तो ये मांग मुस्लिम पक्ष की तरफ से की जा रही है। और साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर है, इस पर हर पक्ष, अलग अलग पक्ष क्या कह रहे हैं, कानून के जानकार क्या कह रहे हैं, वो सुनना भी आपके लिए जरूरी है। तरफ से यह प्रार्थना पत्र दाखिल हुआ कि यह वाद पत्र
जो दाखिल है या बाबा विश्वनाथ श्रृंगार गौरी और माँ नंदी के पूजा के लिए है, जिसमें पूरे विश्व के हिंदुओं के जनमानस के धार्मिक आस्था का सवाल है, और 5 लोगों ने अगर मुकदमा दाखिल किया है तो वह केवल उनका व्यक्तिगत मुकदमा नहीं है, यह व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, इसमें पूरे जनहित का सवाल है। तो यह ऑर्डर 1 रूल 10 में हमको सुन के किया जाए ताकि हम भी इसमें साक्ष्य दें और इसमें क्या कोई भी चाहे तो ये मुकदमा वापस लेके हट न पावे और इस मुकदमे का गुण दोष के आधार पर सम्यक निर्णय हो और वास्तविक निर्णय हो। विपक्षी की जो आपत्ति थी उसी संदर्भ में 56 गह उन्होंने अप्लीकेशन दिया और वो उस 56 गह पे बहस होगी, वहाँ पे क्यों नहीं करने दिया गया प्रवेश और जो हमारी कार्रवाई कमीशन की थी वो क्यों नहीं हो सकी उसी संदर्भ में? हम लोगों ने लिखित दाखिल किया है, हम लोगों ने भाई कहा है कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है कि जो माननीय कमिश्नर को बदला जाए। जब अभी कार्रवाई हुई नहीं तो आप आगे कैसे सोच रहे हैं कि जो निष्पक्ष नहीं है कमिश्नर बिना कार्रवाई के? हमने निष्पक्ष को तो इतराज था नहीं कमिश्नर के, तो वादी तो हम तो भाई हमें तो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर इन्फॉर्मेशन देख पा रहे हैं कि हिंदू पक्ष क्या कह रहा है कि ज्ञानवापी काशी मंदिर का हिस्सा हो, ये हिंदू पक्ष की मांग है, और मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि कोर्ट कमिश्नर को बदला जाए। साथ ही मुस्लिमों के ज्ञानवापी आने पर प्रतिबंध लगे, ये हिंदू पक्ष की मांग है। तो मस्जिद के भीतर का सर्वे नहीं होना चाहिए, ये मुस्लिम पक्ष कह रहा है। मंदिर के पुनर्निर्माण की अनुमति मिले, इजाजत मिले, ये हिंदू पक्ष कह रहा है। और मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि 1991 के एक्ट के तहत ये फैसला लिया जाए, स्पेशल वर्शिप एक्ट की बात बार बार की जा रही है, उसके तहत ये फैसला लिया जाना चाहिए, ये कह रहा है मुस्लिम पक्ष। और सियासत लगातार, सियासी अखाड़ा आप इसे कह सकते हैं, AIMIM कह रही है कि बीजेपी नफरत फैलाना चाहती है। असदुद्दीन ओवैसी, आपको याद होगा कुछ दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो ब्लडशेड जैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्दों का इस्तेमाल किया था। वही बीजेपी कह रही है कि सर्वे होगा तो सच ही सामने आएगा। कोर्ट को अधिकार ही नहीं है कि वो बोले के जाके वहां पर वीडियोग्राफी करिए, देखते हैं लोअर कोर्ट उसके ऊपर क्या आदेश पास करती है। लेकिन ये बीजेपी की एक साजिश है, बीजेपी चाहती है कि देश के अंदर अराजकता फैलती रहे, एक नफरत का माहौल फैलता रहे। ये हमको 1990-91 के एरा में लेके जाना चाहती है बीजेपी, जब आपने देखा था बाबरी मस्जिद के टाइम पे क्या हुआ था। तो ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर, सर्वे को लेकर इस तरह कोर्ट ने भी फैसला कर दिया, क्या देखते हैं कि सर्वे को लेकर किस तरह आप देखते हैं? देखिये, सर्वे होना चाहिए और जो सच है वो बाहर निकल कर आना चाहिए। ताजमहल पहले ज्ञानव्यापी का जिसका आदेश है वो जाने दीजिए। तो लगातार आप देख रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी पर हिंसा और नफरत की राजनीति करने के आरोप लगा रहे हैं उसके विरोधी, और बीजेपी ये कह रही है कि सर्वे के सच से किसे डर लग रहा है बीजेपी, ये सवाल पूछ रहे हैं। हम जल्द लौट रहे हैं, खबरें जारी हैं, आप रहिए हमारे साथ। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store, डाउनलोड इट नाउ।